हे hey, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज यार जल्दी से सुबह बहुत टाइम दिनों बाद यार यार पोको लॉन्चर का नया अपडेट आ गया है। तो आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पसंद करते हो यार मेरी पोको लॉन्चर की वीडियो, तो मैंने सोचा इस बार भी बना देते हैं, क्योंकि इस बार आए हैं 2-3 नए फंक्शन यार पिछली बार की तरह से। तो वीडियो को पहले यार लाइक करो और सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को भी दबाओ, जल्दी दबाओ यार। सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हो, मेरा सब्सक्राइब वहीं रुके रहते हैं यार। दबा दिया करो यार, दबाओ, जल्दी दबाओ। दबा दिया तो मैं आगे वीडियो करूँगा, और लाइक को भी कर दो, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं कि क्या क्या आपको नए अपडेट में देखने को मिल जाता है। तो व्हाट्स न्यू में आप देख पाओगे कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले नीचे देख लेते हैं, वर्जन दिखा दूँ आपको, 2.6.33 यहाँ पे ये वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। तो 27 दिसंबर का अपडेट है, आज ही यहाँ पे आपको ये देखने को मिला है। और अगर आपके फ़ोन में अभी तक प्ले स्टोर में नहीं दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये बीटा अपडेट है, कुछ लोगों में दिखाए कुछ में ना दिखाए। तो इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चेंज लॉग कि क्या क्या आपको यहाँ पे इस अपडेट में देखने को मिलता है। 13.32 MB का ये अपडेट देखने को मिल जाता है। व्हाट्स न्यू में चलें तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ नोटिफिकेशन बैज नाउ। तो नोटिफिकेशन बैज जो आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है, अगर आपके फ़ोन में किसी आइकन में नोटिफिकेशन आया है तो वहाँ पे आपको डॉट टाइप का देखने को मिलता है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देख पाओगे कि आपको इस तरीके का डॉट जो ये नोटिफिकेशन बैज है, इसका स्टाइल चेंज करने का अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा जो सारे वॉलपेपर मैं दिखा रहा हूँ अब सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, मैंने पूरा एक फोल्डर बना के सबका दे दिया, उसको मैं अपडेट भी करता रहता हूँ, तो जाके उसमें आप देख लो। वॉलपेपर के लिए मत कहना कि कौन सा वॉलपेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दूसरी चीज़ देख लेते हैं, वी एक्सटेंडेड फंक्शनल सपोर्ट फॉर वेरियस फ़ोन मॉडल। तो अब बहुत सारे फ़ोन मॉडल में भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सेटिंग लुक मच बेटर नाउ, तो सेटिंग को भी यहाँ पे इन्होंने रिवैम्प करा है। उसके अलावा अब चौथा फीचर जो आ गया है, यू कैन डबल टैप टू स्क्रीन टू वेक डिवाइस। तो ये चीज़ यार काफ़ी नई है, क्योंकि यहाँ पे हम जो MIUI है उसमें तो ये चीज़ कर लेते हैं, उसके अलावा अब जिनके पास नहीं था ये फंक्शन, ये पोको लॉन्चर में भी यहाँ पे आ गया है। उसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा, वी फिक्स्ड परफॉर्मेंस इश्यूज़ विच मेड डिवाइस स्लो डाउन। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इश्यूज़ को भी यहाँ पे फिक्स करा गया है, जिससे आपकी बैटरी और डिवाइस भी स्लो हो जा रहे थे। उसके अलावा बग्स को भी यहाँ पे फिक्स करा गया है, और हो सकता है कुछ 2-3 नए बग्स भी डाल दिए हों ताकि वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फिक्स कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर जो सेटिंग में नए नए फंक्शन आए हैं वो क्या आपको देखने को मिलते हैं। तो इंस्टॉल हो गया है, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम ओपनिंग है तो थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा, तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया है ओपन, और इस तरीके से आप देख सकते हो अभी तो फिलहाल नोटिफिकेशन बैज दिखा रहा है। ऊपर चलते हैं और यहाँ चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में गए और आपको इस तरीके की सेटिंग देखने को मिलेगी, थोड़ी कस्टमाइज़ करी है इन्होंने, पैक हो गई है। अब पहले हम लोग को ये चीज़ आगे नहीं देखने को मिलता था, अंदर ऑप्शन में जाके देखने को मिलता था, और यहाँ पे इन्होंने अब पूरी चीज़ एक ही साथ कर दी है। जब पहले आप देखोगे सिस्टम सेटिंग जो दूसरी तरीके से थी वो अब यहीं पे आ गई है। अगर मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाऊं तो मेरे पास दूसरे फ़ोन में भी यहाँ पे है, ये देख सकते हो इधर। तो यहाँ पे मैं पोको लॉन्चर दिखा देता हूँ आपको, ये है रेडमी नोट 4। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके का सेटिंग आपको देखने को मिलता था, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से पूरा अब अच्छे से कर दिया है। पहले यार थोड़ी दिक्कत रहती थी लोगों को कि किधर जाके क्या करना है, तो उस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने सही कर दिया है। तो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में आपको सबसे पहले सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है कि आप डायरेक्ट अब सिस्टम सेटिंग में जा सकते हो। आइकन पैक आपको जो भी पसंद है वो आइकन पैक आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, तो मैं आप खोल के दिखा दे रहा हूँ आपको, जो भी लगाना हो आप लगा सकते हो। फिर यहाँ पे कस्टमाइज़ का आ गया है, जो कि पिछले अपडेट में आ गया था, आप आइकन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपका डार्क ट्रांसपेरेंट और ये जो लाइट बैकग्राउंड का करने का आया था वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट वाला आपका हो गया है। उसके अलावा ये आया है ऐप ड्रॉअर का, जो इसके अंदर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऐप ड्रॉअर पहले बाहर ही आपको देखने को मिल जाता था, आपको ये इसके अंदर नहीं देखने को मिलता था। तो सब मेनू में करके उसको यहाँ पे कर दिया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे हो गई है। होम स्क्रीन में आप देख पाओगे इस चीज़ का आ गया है। अब ये आया है नोटिफिकेशन बैज, जो चीज़ आपको यहाँ पे ये नहीं देखने को मिलती है, जो कि पहले सर्किल आता था, अब यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिलेगा कि कितने नोटिफिकेशन आपके आए हैं, वो नंबर यहाँ पे दिखाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे देख लो, नोटिफिकेशन मुझे नहीं दिखा रहा है, ये देखिए अब ये अपडेट हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने
नई अपडेट करी है कि आपको यहाँ पे कितने नोटिफिकेशन आए हैं, उस चीज़ को यहाँ पे ये अपडेट करके आपको दिखाएगा कि क्या आपके कौन से ऐप में कितने नोटिफिकेशन है, 17 है, 20 है, 12 है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाएगा। वो देख सकते हैं व्हाट्सएप पे 17, प्ले स्टोर पे एक और इधर अंदर एक, तो इस तरीके से दिखाएगा। तो इसके लिए यार एक थम्स अप शाओमी पोको वालों को कि इतना अच्छा यहाँ पे इन्होंने अपडेट दिया है। और उसके अलावा और देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक आखिरी चीज़ आ जाती है, डबल टैप टू ब्लैंक स्पॉट ऑन होम स्क्रीन टू लॉक। तो यहाँ पे है डबल टैप टू लॉक, ये फंक्शन MIUI में आपको नहीं देखने को मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी डबल टैप करो तो आपका यहाँ पे लॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं, तो देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता है। तो इधर बाहर जाते हैं, ओ माई गॉड, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये फीचर आ गया है। डबल टैप टू वेक का आपको ऑलरेडी था, अब डबल टैप टू लॉक का आपको फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि बगी है लेकिन काम कर रहा है यार। MIUI में ऑप्शन आ गया है डबल टैप टू लॉक का आ गया है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यार, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। ये फंक्शन को और बग फ्री ये लोग बना दें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो देख सकते हो डबल टैप टू लॉक हो जाएगा और डबल टैप टू वेक आपका दोनों चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो इसी बात पे यार एक लाइक कर दो जल्दी से, अभी तक नहीं कराया है, और सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया तो इंतज़ार किसका है यार, जल्दी से कर दो, जल्दी 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 यहाँ पे जाके कर दो। और उसके अलावा बग्स भी फिक्स हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से स्मूथ यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा आप जो मन चाहो और सेटिंग में चेंज कर सकते हो और अपना अबाउट में देख सकते हो, तो 2.6.33 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये अभी तक डाउनलोड नहीं किया है या प्ले स्टोर में नहीं दिखा रहा है, लिंक इज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जल्दी से जाके इसको अपडेट कर लो। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।